हाय गाइस, सो आज हम बनाएंगे आलू टोकरी चाट। सो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाट है और इसकी जो आलू टोकरी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है, जो एक एक्स्ट्रा टेक्सचर दे देती है आपकी चाट को। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ आलू ले लिए हैं, सारी क्वान्टिटीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो ये आलुओं को छील लिया है और सबसे बड़े वाले जो भी आपके इसमें ग्रेटर में हो उससे आप इसे ग्रेट कर लीजिए। तो ये सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। और अब इन्हें आप धोएंगे कम से कम 3 से 4 बार। नॉर्मल पानी में आप इसे 3 से 4 बार धोना। 3 से 4 बार धुलने के बाद आप इस तरीके से कपड़े पर इसे डालना। सिर्फ आलूओं को हम निकालेंगे, हाथ से निचोड़ेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के आप इसके ऊपर रखते जाइए। तो बेसिकली हमें इसका पानी सुखाना है, तो अब इसको कपड़े की में भी रखकर हम लोग सुखा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के मैं इसका सारा पानी निकालने की कोशिश करूँगी। तो ये सारा पानी जब निकल जाए तो अब आप अपने आलूओं को इस तरीके से एक प्लेट पे फैला दीजिए और 1 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे रख दीजिए। तो जिससे जो और भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आपकी टोकरी क्रिस्पी नहीं बनेगी, सॉगी हो जाएगी थोड़ी देर बाद ही। अब इसके अंदर ये मैंने डाला है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 2 चम्मच मैदा डाल दीजिए। और इस तरीके से आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि पानी निकल जाए आलूओं का, और बस हल्का हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इस तरीके का आपको एक स्ट्रेनर लेना है या एक छन्नी लेनी है बड़ी सी, और उसके ऊपर एक और फिट हो जाए। इस तरीके से आप चेक कर लेना कि फिट हो जानी चाहिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, पहले थोड़ा सा तेल लगाइए और इसके ऊपर फिर हम आलू डाल देंगे। फर्स्ट टाइम आपको तेल लगाना पड़ेगा। फिर इस तरीके से फैला फैला कर आप इसमें आलू डाल दीजिए। और थोड़े से ज़्यादा ही आपको एक मोटी सी लेयर ही बनानी है, क्योंकि दबाने की वजह से वो फ्लैट हो जाएगी बाद में अपने आप। और ट्राई करिए कि कोई भी होल्स ना रहें बीच में। जितने ज़्यादा होल्स रह जाएंगे बाद में आपकी चाट उतनी ही फिर नीचे गिरेगी। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा कवर किया और ये दूसरे स्ट्रेनर की मदद से मैं इसे दबा रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कोई होल तो नहीं है बीच में। तो नहीं है, ये देखिए। तो अब मीडियम ऑयल पर हम इसे फ्राई करेंगे। लो मीडियम ऑयल पे ही करना है, हम नहीं चाहते जल्दी से ये ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी ना बने। तो पहले हम इसको आधा डुबोएंगे। आधा डुबोने से क्या होगा कि एकदम से सारे आलू आपके बाहर नहीं निकलेंगे स्ट्रेनर में से। आधा डुबोएं और फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि ये सेट होने लग गई है तब आप इसे अंदर ले जाएं। ऑयल आप आधे से 3/4 तक ही फिल करें अपनी कढ़ाई में। तो अब ये धीरे धीरे मैं दबा दबा कर, और ऊपर का जो स्ट्रेनर है उसको आप थोड़ा थोड़ा सा उठाते भी रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, कई बार वो चिपक सकता है। तो अब ये थोड़ी देर बाद देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है मेरी आगे पीछे से। अब इसे हम निकाल देंगे, अपनी टोकरी को निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान से आपने निकालना है। ये जो ऊपर जो थोड़े थोड़े अटके हुए हैं इसके पीसेस, उनको बस तोड़ दीजिए, ये अपने आप बाहर आ जाएगी। तो ये हमारी इस तरीके से बाहर आ गई है। एक किचन टॉवल पे या नैपकिन पे आप इसे निकाल लीजिए। अब बनाते हैं चाट। तो चाट के लिए सबसे पहले हमने टोकरी रखी, उसमें ये मैंने डाले हैं कुछ बॉइल्ड चने। आप चने भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं। स्प्राउट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कुछ पीज और चने की दाल उबाल रखी थी वो डाल ली है। ये थोड़ी सी बूंदी डाल दी है। चाट में आप जो मर्ज़ी डालिए, आपकी विश है इसमें। ये मेरे पास कुछ अनार थे तो मैंने इसमें अनार डाल लिए हैं। ये सेव है, अगर आपके पास सेव नहीं है तो अगर आपके पास आलू भुजिया है या कोई भी नमकीन है तो आप वो नमकीन भी डाल सकते हैं। मैंने ये सेव डाल दिए हैं। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ लाल चटनी। इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करना, लाल चटनी हरी चटनी अच्छे से डालना। और ऊपर से अब हम डालेंगे दही, तो दही भी हम अच्छे से डालेंगे। और ट्राई करें कि आपका जो सारा चाट का सामान है वो उसके अंदर ही रहे, हमारी टोकरी के अंदर ही रहे। तो ये देखिए, अब ऊपर से फिर से मैंने थोड़ी सी लाल और हरी चटनी डाल दी है। अब ऊपर से फिर से मैं थोड़े से इसके ऊपर अनार डाल दूँगी। चाट में अनार बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये मैंने अनार डाल दिए हैं। अब ऊपर से डाला है मैंने जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, और ये फिर से थोड़ा सा सेव या आलू भुजिया जो भी हो आपके पास, जो भी नमकीन हो वो आप डाल दीजिए। तो बस इस चाट को आप साथ के साथ सर्व कर दीजिए। इन कटोरियों को पहले से भी आप बनाकर रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और बस जब खाना हो तब आप सर्व कर दीजिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बाय बाय।